तरह का पूरा रहेगा? एक आज बैंक सब अधिकारियों सभी बैंकों के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया था कि किस प्रकार से बैंक्स को हमको रेगुलेट करना है अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोग बैंक्स को जो उनकी खुद की वर्किंग है, नगर निगम सीमा क्षेत्र है इंदौर का, इसमें बैंक्स अभी बंद कर रखे हैं, अभी उसको हम लोग खोलने का आदेश कर रहे हैं, पर पब्लिक का समय बार उनसे नहीं रहेगा। उनकी इंटरनल वर्किंग होगी, इंटरनली उनको जो ATMs में कैश लोड करना है वो करेंगे, जो भी उनको राशियाँ ट्रांसफ़र करनी है विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खातों में वो सब करेंगे वो। और ग्रामीण क्षेत्र तो बैंक अभी भी खोले हैं, उसको पहले बंद ही किया था, उसमें भी राशि ट्रांसफ़र करके जो कोरोना के लिए मनी केंद्र शासन द्वारा या राज्य शासन द्वारा जो अलग अलग एक स्कीमों में पैसा ट्रांसफ़र किया है कोरोना के समय में गरीबों के लिए, तो वो सब राशि ट्रांसफ़र होकर के उसके वितरण की व्यवस्था आदि ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, जो भी अभी चल रही है अभी वहाँ पर। एक तो बैंकों के साथ चर्चा करके ये इशूज़ फाइनलाइज़ किए हैं, तो आज हम लोग उसमें आदेश कर देंगे। दूसरा, एक IMA के डॉक्टर्स को बुलाया था और एक मेडिकल टीम लगी है अलग से CMHO को सपोर्ट के लिए, जिसमें कि सैम्पलिंग हो गया, RRT टीम्स हो गई, किस प्रकार से मैपिंग करनी है हम लोगों सेंसिटिव एरियाज की, क्योंकि अब इन एरिया में अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है थोड़ा स्टेबिलिटी है, मतलब ये नहीं बोल सकते पूरे सुरक्षित हो गए हैं, पर अब लोग ठीक होकर आना शुरू होने वाले हैं। मेरे ख्याल से सोमवार से या मंगलवार से पहला पेशेंट अपना निकलना शुरू हो जाएगा जो ठीक हो गया है, और ऐसे 20 पेशेंट धीरे धीरे निकलते आएंगे जैसे जैसे उनकी सेकेंड रिपोर्ट निगेटिव आएगी। 20 पेशेंट जो कल हमने मीटिंग ली थी, 20 पेशेंट इस समय अरबंदों में लगभग स्वस्थ हैं, केवल उनकी एक निगेटिव रिपोर्ट आनी है, फिर 24 घंटे में फिर टेस्टिंग होगी, फिर निगेटिव रिपोर्ट आएगी, तो उनका डॉक्टर भंडारी का कहना था कि मंडे से हम रिलीज डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो ये भी अच्छी खबर है शहर के लिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी है। कुछ हम लोगों ने सैंपल्स अभी भेजे हुए हैं काफ़ी, जो सेंसिटिव केसेस थे उनके भी रिपोर्ट्स आनी है, उसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव अभी और आएंगे, पर ये सभी वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन में शिफ्ट कर रखा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अगर पॉजिटिव सैंपल्स आते भी हैं तो हम लोग उनके सबको ऑलरेडी चूँकि क्वारंटाइन में, फिर हम लोग फर्दर जाँच करेंगे कि उनके संपर्क का कोई आदमी बचा तो नहीं है कहीं मोहल्ले में, अगर एक दो परिवार के बच्चे होंगे तो उनको भी हम लोग या होम क्वारंटाइन कर देंगे या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे। इससे इस प्रक्रिया से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ऊपर वाले की ईश्वर की मदद से समझेंगे। सर, किराना